सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको भी मिल सके लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय प्रदीप मोबाइल। अगर आपको किसी भी तरह का स्मार्टफोन या मोबाइल एक्सेसरीज परचेस करना है तो आप इस शॉप पे विजिट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए इस मोबाइल दुकान का फेसबुक पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम अर्शद गोपाल और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं स्टैंडहाउजर एमएच पावर बैंक का। तो ये पावर बैंक बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 एमएच लिखा है। तो वेट अ मिनट, मैं इसे फोकस कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब ठीक है, अब मैं इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूँ। ओह शिट, अब आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। खोलने के बाद आपको ये सामने में पावर बैंक मिलेगा, एक मैनुअल इंस्ट्रक्शन और यूएसबी केबल। ओके, तो इस पावर बैंक को खोल के देखते हैं। पावर बैंक कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, सो पावर बैंक का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ सामने का आई वॉल का आइकन दिखेगा, यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं, इसे आप ऑन करेंगे और ऊपर देखें तो आपको दो ठो यूएसबी केबल जिससे आप दो मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट वन और आउटपुट टू। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो अब चलिए इसे मैं आपको बता देता हूँ कि कितना देर वर्क करता है। तो ये फुल चार्जिंग में ये आपका 4000 mAh का बैटरी वाला फ़ोन है, तो ये आप 3 to 4 hours में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो चार्जिंग करके दे देगा। ओके, और इसका बैटरी 5 hours तक चलेगा नॉर्मल यूज़ में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये मोबाइल मेरा इसमें चार्जिंग हो रहा है। तो एक चीज़ इसका कॉन्स ये है कि इसका जो यूएसबी केबल है वो काफ़ी छोटा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसे परचेस करते टाइम एक अलग से आप यूएसबी केबल ले लीजिए। बाकी ओवरऑल बात करें तो ये पावर बैंक काफ़ी अच्छा है। तो ये था मेरा इसका अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए। आई एम अर्शद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।